संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। 34 विभागों में तैनात 55,000 संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सभी संविदा कर्मचारी सरकार को वचन पत्रों का वादा याद दिला रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद 90 दिन में नियमित करने का वचन दिया था। राजधानी भोपाल में संविदा स्वराज कुंभ मनाया जा रहा है और ये भोपाल के पत्रकार भवन मैदान में मनाया जा रहा है। साफ तौर पर ये मध्य प्रदेश के तमाम 34 विभागों के जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें नियमित किया जाए। सरकार ने जो वचन दिया था कि सरकार कांग्रेस सरकार यदि मध्य प्रदेश में बनती है तो 90 दिन में उन्हें नियमित किया जाएगा। साफ तौर पर संविदा कर्मचारी वो वचन पत्र भी हाथ में लेकर आए हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं कि 90 दिन में नियमित करने का आपने वचन दिया था। कांग्रेस ने 90 दिन में नियमित करने का वादा किया था लेकिन 10 माह हो गए अभी तक नियमित नहीं किया गया। अब स्वराज कुंभ किया जा रहा है। जी, संविदा स्वराज आंदोलन जो है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को उसका वचन पत्र उसका वादा जो है वो निभाने की हम याद दिला सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 अगस्त 2019 को एक बैठक की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले भी 17 सितंबर को एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर किया गया था समस्त विभागों के परियोजनाओं के संविदा कर्मचारियों द्वारा। उसमें भी उन्होंने कहा था कि संविदा शब्द से मुझे नफरत है और जैसे ही सरकार बनेगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तत्काल इस संविदा शब्द को मैं निमित करूंगा और संविदा शब्द हटाऊंगा प्रदेश से। उन्होंने अपने वचन पत्र में भी लिया और 1 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक भी हुई। सभी अफसरों को सभी अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए गए थे कि सभी नियमितीकरण की प्रक्रिया करना चालू करें, निष्कासितों की बहाली करें और जून 2018 की नीति अविलंब लागू करें। 34 विभागों में 55,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा जो है और सरकार की जो योजना है वो आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं तो कैसे मानते प्रभाव पड़ा होगा उन पर? निश्चित रूप से पूरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि मध्य प्रदेश में 80% कर्मचारी संविदा पे इस तरह से कार्य कर रहे हैं। सारे विभागों में जिम्मेवार और जिम्मेवार अभियानों में काम कर रहे हैं और आज उन्हीं संविदा कर्मचारी अधिकारियों की बदौलत प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। आज स्वराज कुंभ मनाया जा रहा है, यदि आज कोई आश्वासन या ठोस कोई आपके पक्ष में कोई पहल नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? आज जो जो आयोजन किया गया है स्वराज सम्मेलन का, संविदा स्वराज सम्मेलन का, उसके पीछे उद्देश्य ये है 90 दिन का जो वचन पत्र था जिस अनुसार हो जाना चाहिए था, किसान कर्ज माफी का जिस परिपक्व में ये किया गया है कार्य उसी के अनुरूप संविदा का नियमितीकरण की भी मूवमेंट लिया जाए जो आज दिनांक तक 300 दिन होने के बाद भी उस पर कोई गति नहीं आई है। और सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि आपका वचन था आज ये संविदा कुंभ का आयोजन किया गया है और इसमें सभी संविदा कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और इस बार बिल्कुल ये संविदा स्वराज कुंभ मना रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक कोई ठोस आश्वासन या इनके पक्ष में पहल नहीं की जाएगी तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। कैमरामैन राकेश मगोड़िया के साथ अनुज शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।